हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडेज ईयर स्टैंडर्ड थर्ड विकास इंग्लिश वर्कबुक, जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है द मैजिक गार्डन। आज मैं सेकंड चैप्टर द येलो बटरफ्लाई, द येलो बटरफ्लाई। तो सब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो कि ये पैराग्राफ हमें रीड करना है और उसको जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो ये येलो बटरफ्लाई था, वो सोनू के गार्डन के आसपास उड़ रहा था। सोनू सो द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा। ही रन टू कैच इट, वो उसने दौड़ के उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए वो दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज। तो बटरफ्लाई क्या है कि उड़ के रेड रोज पे बैठ गया। तो उसके क्वेश्चन है, फर्स्ट वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द बटरफ्लाई। तो सोनू ने बटरफ्लाई को सबसे पहले कहाँ पे देखा, तो कि सोनू फर्स्ट शो द बटरफ्लाई इन हीज गार्डन। तो देखो इसमें पहले उसका क्वेश्चन भी आंसर में उसका क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कि सोनू फर्स्ट शो द बटरफ्लाई इन हीज गार्डन। तो हमारा जो ये आंसर है एकदम लर्न करने के लिए एकदम इजीली हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर टू है, वे डिड द बटरफ्लाई सीट, बटरफ्लाई उड़ के कहाँ बैठ गया। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ रेड रोज, बटरफ्लाई उड़ के रेड रोज पे बैठ गया। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हुई है। द फर्स्ट है, द बटरफ्लाई वॉज येलो इन कलर। तो बटरफ्लाई कौन से कलर का था, तो कि येलो कलर का, तो मैंने ब्लैंक्स में लिखा है येलो। सेकंड है, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ रेड रोज। तो बटरफ्लाई कहाँ पे बैठ गया था, तो कि रेड रोज पे बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट एक ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट है, अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो कि सोनू के गार्डन में कौन सा बटरफ्लाई उड़ रहा था, तो ए है रेड बटरफ्लाई, बी है येलो बटरफ्लाई, सी है ब्राउन बटरफ्लाई और डी है ब्लू बटरफ्लाई। तो मैंने यहाँ पे टिक किया है कि येलो बटरफ्लाई, तो ब्लैंक में भी लिखना है हमको येलो बटरफ्लाई और जो यहाँ पे बॉक्स है उसमें भी लिखना है ऑप्शन बी। सेकंड नंबर है, द बटरफ्लाई फ्लू टू अ रोज बेड, यानी कि बटरफ्लाई उड़ के कहाँ बैठ गया था, तो कि रोज बेड पे। तो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्लावर बेड, बी है ट्री, सी ऑप्शन है रोज बेड एंड डी ऑप्शन है लोटस। तो वो कहाँ पे बैठ गया था, तो कि रोज बेड पे। फिर क्वेश्चन नंबर टू है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू कहता है कि मैं उसको पकड़ लूँगा। ही वॉकेड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। सोनू कैसे चलता है कि एकदम स्लोली और साइलेंटली, यानी कि एकदम स्लोली और आवाज़ किए बिना वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए चलता है। ही कम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। तो सोनू उसके पास नज़दीक जाता ही गया और जाता गए, लेकिन बटरफ्लाई है वो उड़ गया। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई कहाँ उड़ गया। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, यानी कि वो नियर द गार्डन था, उसमें एक पॉन्ड में उसमें वो उड़ गया। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, तो पॉन्ड में वाइट लोटस भी थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, तो उसके लोटस के आसपास
जो ग्रीन राउंड लीव्स थे वाइट लोटस के आसपास, दे फ्लोटेड इन द वाटर, और जो वाटर थे वो फ्लोटर यानी कि बह रहा था पानी। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीव, तो जो बटरफ्लाई था वो वहाँ पे उड़ के गया और फ्लोटिंग यानी कि लीव पे वो बह गया। तो उसके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोनू वॉक टू कैच द बटरफ्लाई, सोनू कैसे चल रहा था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। तो कि सोनू वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, तो कि सोनू एकदम स्लोली और साइलेंटली चल रहा था बटरफ्लाई को कैच करने के लिए। सेकंड नंबर है, वेयर वॉज द पॉन्ड, कि पॉन्ड कहाँ पे था, द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन, तो कि पॉन्ड था वो गार्डन के पास में था। नेक्स्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज देयर इन द पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ पे था, तो कि देयर वॉज वाइट लोटस इन द पॉन्ड, तो जो पॉन्ड कहाँ था, तो कि पॉन्ड में जो वाइट लोटस थे वहाँ पे पॉन्ड था। व्हाट वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड, तो कि पॉन्ड्स में कौन सी चीज़ें फ्लोटिंग यानी कि तैर रही थी, तो कि वाइट लोटस अराउंड इट ग्रो राउंड लीव्स वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड, यानी कि जो वाइट लोटस के आसपास ग्रीन लीव्स, जैसे लोटस की पत्ती कैसे होती है, ऐसे राउंड शेप की होती है, तो राउंड लीव्स वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड। वेयर डिड द बटरफ्लाई सीट, बटरफ्लाई उड़ के कहाँ बैठ गया, क्योंकि द बटरफ्लाई सीट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, यानी कि वो लीफ पे बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट नंबर है, देर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड, तो कि पॉन्ड में कौन से वो फ्लावर थे, तो कि वाइट लोटस। सेकंड है, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, तो बटरफ्लाई कहाँ पे बैठ गया था, तो कि फ्लोटिंग लीफ पे बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन, तो यहाँ पे हमें लिखना है ऑप्शन कि ए बी सी और डी, और हमें इस बॉक्स में उसका ऑप्शन लिखना है। तो देखो, फर्स्ट है, सोनू वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू द कैच द बटरफ्लाई, तो सोनू ने वो एकदम स्लोली एंड साइलेंटली चल रहा था, तो ऑप्शन आएगा बी, आपको इस बॉक्स में भी लिखना है ऑप्शन बी। सेकंड है, देर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड, तो कि जो पॉन्ड में कौन से फ्लावर था, तो कि वाइट लोटस, कि पॉन्ड में वाइट लोटस, यानी कि इसका ऑप्शन ए आएगा, और आप बॉक्स में भी आपको राइट करना है ऑप्शन ए। थर्ड है, द बटरफ्लाई सेट इन अ फ्लोटिंग लीफ, यानी जो बटरफ्लाई है वो कहाँ पे बैठ गया था, तो बट फ्लोटिंग लीफ, तो उसका ऑप्शन आएगा सी, और इस ऑप्शन जो बॉक्स में भी आपको ऑप्शन सी लिखना है, और यहाँ पे ब्लैंक भी दी गई है, तो ब्लैंक्स में भी आपको उसका ऑप्शन जो भी सही आए वो लिखना है, इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। ये आपको अपनी वर्क बुक में ये यहाँ तक लिखना है, रीड करना है, और अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है।